बचाई खुद की जान। नपा के पास हादसा होने के बाद भी 30 मिनट बाद पहुंचा फायर फाइटर। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने आज एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बाइक चालक ने चलती बाइक से कूदकर खुद की जान बचाई। हालांकि बाइक में आग लगने की सूचना मिलने के बाद नगरपालिका को सूचना दी गई और मात्र 10 कदम की दूरी होने के बाद भी 20 से 30 मिनट बाद फायर फाइटर मौके पर पहुंचा, जहां फायर फाइटर ने जल चुकी बाइक पर पानी छिड़क कर अपना फर्ज निभाया। वहीं इस मामले में सीएमओ नगरपालिका बड़वानी कुशल सिंह डुडवे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाइक में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर नगरपालिका का फायर फाइटर मौके पर भेजा, लेकिन जब तक फायर फाइटर मौके पर पहुंची बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। आपको बता दें कि हादसा कलेक्टर बंगले के सामने हुआ था। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही कहीं न कहीं कई सवालों के घेरे में आती है। हाँ, मेरी गाड़ी में आग लगी है। मैं चंचल चौराहे से आ रहा था मेरे घर से। मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी एम्पायर हॉस्पिटल में, तो मैं कल कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा वापस, तो रिटर्न इंदौर जा रहा था और यहीं पर पता नहीं भैया, नॉर्मल मेरी स्पीड थी 40-50 की सिटी के हिसाब से, और मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे गर्म गर्म हीटअप हो रहा है पूरा। फिर मैंने देखा तो पूरी बाइक में आग लगी हुई थी, तो मैं बाइक छोड़ के कूद गया। बाइक जल गई? पूरी बाइक जल गई। क्या कोई नुकसान हुआ है? मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट बाइक पूरी डैमेज हो गई। ये अभी मोटरसाइकिल में आग लग गई। हमको तत्काल नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष श्रीमती कोकिला पटेल जी ने बताया कि कोई बाइक में आग लग गई। वैसे ही हम लोग फायर लेके पहुँचे, लेकिन तब तक मोटरसाइकिल पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। कारण कैसे चली? कारण पता नहीं चला। जो बाइक चला रहा उससे हमारी बात हुई, उसने कहा कि अचानक हीट आई तो उनने बाइक छोड़ दी, तो वैसे ही उसमें आग लग गई, तो बाइक चलाने वाला बच गया। सर कहाँ पे आग लगी? ये कलेक्टर साहब के बंगले से थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप, पुलिस पेट्रोल पंप के सामने। सर कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं? बाइक पूरी तरह से ख़त्म हो गई, बाकी कोई जनहानि नहीं हुई।